हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे आईसीआईसीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें मैं ये भी बताया था कि आप लोग को एटीएम कार्ड फ्री में मिलेगा, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा और चेकबुक भी फ्री में मिलेगा। तो एटीएम कार्ड भी मेरे पास आ चुका है, चेकबुक भी आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं ऐप का यूज करके अपने घर पे बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से, और चेकबुक का भी मैं वीडियो कुछ दिन में डाल दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एटीएम कार्ड के बारे में कि आप लोग इसका पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं, ओके, और इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका पिन जनरेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे फाड़ लेता हूँ। ये ब्लू डार्ट कुरियर के थ्रू मेरे यहाँ पे आया है। अब आपके पास किस तरीके से जाएगा ये मुझे नहीं पता। तो गाइज ये फट चुका है, उसके बाद हम लोग यहां से इसे निकाल लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है मेरा एड्रेस, उसके बाद फिर इसे यहां पे आईसीआईसीआई बैंक, और ये रहा गाइज, ये रहा एटीएम कार्ड। यहां पे नाम और वीजा प्लेटिनम, ये इंटरनेशनल एटीएम कार्ड है, और यहां पे क्यूआर कोड वगैरह है, ओके। गाइज सबसे पहले तो मैं इसे निकाल लेता हूं, ओके, ये निकल चुका है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके फीचर्स के बारे में। तो गाइज अब बात करते हैं इस एटीएम के बेनिफिट के बारे में। गाइज इससे आप कॉन्टेक्टलेस विथड्रॉ कर सकते हैं। जिस भी एटीएम में ये सुविधा होती है उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा एटीएम में। जिस भी ब्रांच, जो एटीएम का जो ब्रांच जहां पे एटीएम है, अगर उस एटीएम में सुविधा है कि आप कॉन्टेक्टलेस विथड्रॉ कर सकते हैं तो फिर आप इस कार्ड से कॉन्टेक्टलेस विथड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज ये जो है सो मेरा वीजा का है, तो मैं इंटरनेशनली भी इसे यूज कर सकता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फॉरेन तुम जाओगे तब तो गाइज ऐसा बात नहीं है। अब जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देखते रहते हैं या फिर जो क्रिएटर हैं उन लोगों को पता होगा, जो प्ले स्टोर पे ऐप वगैरह डालते हैं उन लोगों को पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वीजा, ओके। तो गाइज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं, अब चलिए अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि इसका पिन जनरेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोग को चले जाना है आईसीआईसीआई के ऐप में। तो मैं यहां पे ऐप सबसे पहले ओपन कर लेता हूं, फिर से मुझे लॉगिन यहां पे करना पड़ेगा, ओके मैं ओपन कर लेता हूं। तो वेट कर लेता हूं जब तक ये ओपन हो रहा है। फिंगरप्रिंट का यूज कर लेता हूं मैं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं ये इंटरफेस मेरा आ चुका है। अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एटीएम कार्ड का नंबर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए कि सेम है कि नहीं, सेम ही रहेगा यार। उसके बाद फिर आप लोग को यहां पे जनरेट पिन पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट पिन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ रहा है सिलेक्ट अकाउंट नंबर, तो यहां पे क्लिक करना है और अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, सीवीवी नंबर यहां पे आप लोग को इंसर्ट कर देना, जो भी बैक में एटीएम कार्ड के पीछे जो लिखा हुआ होता है तीन नंबर, तो वो आप लोग को इंसर्ट कर देना, तो मैं यहां पे डाल दिया हूं। उसके बाद फिर डेबिट कार्ड पिन, जो भी आप लोग को पासवर्ड रखना है जब आप एटीएम को इंसर्ट करोगे और वहां से पैसा निकालोगे तो क्या पिन रखना चाहते हो, तो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं कंफर्म डेबिट कार्ड पिन, तो मैं कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद फिर यहां पे आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहां पे आ रहा है योर आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड हैज अ ग्रेड ऑन इट्स रिवर्स। गाइस आपका जो आईसीआईसीआई कार्ड जो मिला है ना उसके पीछे कुछ नंबर होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं एक बार। गाइस यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे ए बी सी डी और बहुत पी तक है और बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। तो एक बार मैं आप लोग को यहां पे दिखा देता हूं कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है। तो डी के जगह पे जो नंबर है वो इंसर्ट करना है, जे के जगह पे जो नंबर है और एम के जगह पे जो नंबर है वो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो डी पे मेरा है 32 और जे जहां पे है वहां पे है 62 और एम जहां पे है वहां पे है 52। मैं एक बार आप लोग को यहां पे बता देता हूं। यहां पे देखिए जहां पे डी में जो नंबर है वो और जो भी आपको मांगेगा, ठीक है। और सीवीवी नंबर गाइस जहां पे मैं अपना उंगली रखा वहां पे सीवीवी नंबर होता है, तो ये पे तो दिखाऊंगा नहीं, तो वो सीवीवी नंबर वहां पे डालना था, ओके। उसके बाद यहां पे आप लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योर पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, तो ओके करना है।
अब गाइज यहां पे मैसेज भी आ चुका है मेरा, डियर कस्टमर योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड थ्रू आई मोबाइल, यू हैव नॉट, तो यहां पे आप देख सकते हैं जनरेट हो गया। तो गाइज इस तरीके से आप पिन जनरेट कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।